10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों आज की क्लास में इस प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 6 से शुरू करेंगे। उदाहरण नंबर 5 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे, आपको ये उदाहरण ध्यान से समझने हैं। और इस प्रश्नावली के सवाल आपको करने से पहले सूत्रों की जो पर्ची है वो आपके सामने रखनी है, सभी सूत्रों को आपको सामने रखना है, फिर इस प्रश्नावली को हमें हल करना है। तो देखो सबसे पहले सवाल उदाहरण नंबर 6 सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है। मतलब आगे वाला पार्ट तो है LHS और ये वाला पार्ट है RHS, इसको हल करके उत्तर ये लाना है। उत्तर आपके सामने दे रखा है तो उत्तर ये लेके आना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा पक्ष लेते हैं, LHS, तो हम लेंगे LHS, ठीक है, ये वाला LHS, ठीक है। क्या नाम है, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ले लिया। मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि सभी सवालों में ज्यादातर जो मान है वो साइन और कॉस में बदलने हैं आपको, सभी सवालों में मान किस में बदलने हैं, लेकिन देखो सवाल में ऑलरेडी साइन और कोस में है तो बदलने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा तरीका क्या होगा, देखो ये संख्या भी भिन्न में और ये संख्या भी बीच में किसका चिन्ह, जब दो संख्याएं भिन्न में हो बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो हमें लेना है लघुत्तम। क्या लेना है, अब देखो लस है यहाँ 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ क्या है, जब दोनों अलग अलग हो तो लस आपके दोनों ही आते हैं, जब दोनों अलग अलग हो तो लस क्या आते हैं, दोनों। मतलब लस क्या आएगा बेटा, साइन थीटा भी आएगा और 1 प्लस कॉस थीटा भी आएगा, जब दोनों अलग अलग हो तो लस दोनों आते हैं, आगे लस है। अब जब ये दोनों अलग अलग हो तो इसको तो इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, ठीक है। साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब 1 प्लस कॉस थीटा को किससे गुणा करेंगे, तो ये कितनी बार है, दो बार, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हो गया, दो बार है ना, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखो आगे यहाँ तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीज गणित सर्वसम्मिका लग जाएगी, स्क्वायर आ रहा है ना, तो a प्लस b का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे खुलता है ना। इस सूत्र की सहायता से हम इसको खोलेंगे, ठीक है। देखो a का मतलब 1, b का मतलब cos, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर लगाने की जरूरत है, प्लस है तो सूत्र में इंटू a का मतलब इंटू b का मतलब cos थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर, भाग में आ जाओ भाई, क्या है, साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा, यही है। अब देखो हल करेंगे, ऊपर देखो यहाँ तो क्या है और यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है ना। देखो ये सर्वसम्मिका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो इन दोनों की जगह कितना लिखेंगे, या तो पास में ले लो पहले, तो एक स्टेप ज्यादा होगी, तो पास में लेने की जरूरत ही नहीं है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो इन दोनों की जगह कितना हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ कितना, 1, अब प्लस 2 एकम 2 को कोस से गुणा किया तो 2 कोस थीटा, और बाग में देखो यहाँ क्या है, साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अब ये ले लेते हैं, देखो 1 और 1 प्लस क्या है, 2 कॉस थीटा, आप गलती से 2 को इधर मत जोड़ देना, क्योंकि यहाँ 2 कॉस थीटा है और यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो गया, नीचे क्या है, साइन थीटा कोष्ट क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, यही है। अब ऊपर देखो दोनों में से क्या कॉमन है, 2 बार निकाल लो, 2 आ गया कॉमन, 2 का भाग 2 में 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा, कॉस थीटा ये बचा, और बाग में क्या जाएगा, साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। देखो दोनों सेम है ना, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसे ही है, बताओ आगे क्या बचा, 2 बटा साइन थीटा, यही बचा।
अब देखो मैं उत्तर क्या लाना है, दो कोसेक, दो तो आ गया। अब देखो एक बटा साइन का मतलब कोसेक, तो दो बटा साइन का मतलब एक बटा साइन का मतलब एक कोसेक, तो दो बटा साइन का मतलब यहाँ क्या जाएगा, दो कोसेक थीटा। क्या सिद्ध करना था, इति क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। आया समझ में, ध्यान लगाओगे तो आसानी से समझ में आएगा। मेन चीज आपको सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए और जो मैं करता जा रहा हूं उसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखो अगला उदाहरण नंबर 7, क्या लिखा है बेटा, सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 माइनस कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या लाना है, टेन लाना है। मतलब इसको हल करो, उत्तर ये लेके आओ, कैसे भी करो उत्तर आपके सामने वाला आना चाहिए, है ना। तो देखो करना क्या है, हम सबसे पहले क्या लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला भाग लेंगे। अब मैंने क्या ट्रिक बताई कि सभी मान किस में बदलने हैं, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी किस में, साइन और कोस में, तो बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में साइन है ना, तो ये साइन आ गया कॉमन आ गया। अब साइन का भाग साइन में एक माइनस है, तो साइन का भाग इसमें देंगे, यहाँ साइन कितनी बार है, कितनी बार रह जाएगा, दो बार रह जाएगा ना, इससे कट जाएगा एक बार, तो क्या आएगा, दो साइन स्क्वायर थीटा भाग में। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, कॉस कॉमन है ना, दोनों में कॉस कॉमन है, कॉस को बाहर निकाल लो, कॉस थीटा। अब कॉस का भाग इसमें देंगे, यहाँ तीन बार है, कितनी बार है गया, दो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो कॉस का भाग कॉस में एक बार आ गया। अब देखो आगे हमें उत्तर क्या लाना है, टेन, क्या लाना है, देखो साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है, तो साइन बटा कोस तो क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। उधर क्या बचा भाई, एक माइनस दो साइन साइन स्क्वायर थीटा बटा दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक, यही बचा, इन दोनों का मतलब तो क्या हो गया, टेन, पीछे यही बचा। अब देखो उत्तर तो आ गया हमारा टेन, अब हमें इन दोनों को क्या करना है, हटाना है, इन दोनों क्या करना है, हटा दे, ये उत्तर रह जाएगा। अब देखो इन दोनों को हम कैसे हटाएंगे, देखो इसके लिए हम ये प्रयोग करेंगे, एक यहाँ एक आ रहा है ना, एक का प्रयोग करेंगे, बताओ एक बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। यहाँ पर एक का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यही है। अगर एक प्लस का है तो ये दोनों भी किसके आएंगे, अगर एक किसका हो तो फिर ये दोनों भी किसके आएंगे, प्लस का है तो दोनों प्लस के, और माइनस का है तो दोनों माइनस के। देखो कैसे, टेन थीटा का तो टेन थीटा, अब एक की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का है तो दोनों किसके, प्लस के आ गया, और पीछे माइनस में क्या है, दो साइन स्क्वायर थीटा आ गया भाई। अब नीचे आ जाओ, ये नीचे दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब एक माइनस का है ना, तो दोनों किसके, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो टेन थीटा का तो टेन थीटा है ना, अब बताओ यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर कितनी बार, एक बार, है ना, साइन एक बार ही है ना, और यहाँ दो साइन स्क्वायर कितनी बार, दो बार, यहाँ तो साइन स्क्वायर एक बार और यहाँ कितनी बार, तो ये माइनस का, ये किसका है, घटाना पड़ेगा, तो दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का। तो देखो पहले तो ये लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई यहाँ दो बार तो माइनस में रहा, एक बार किस में, प्लस में, तो दो बार में से एक बार जाएगा तो एक बार ही बचेगा, और किसका बचेगा, माइनस का। अब नीचे देखो ध्यान लगाओ, यहाँ दो कोस स्क्वायर थीटा किसका, प्लस का, और एक कोस स्क्वायर थीटा किसका, तो दो में से एक गया तो एक, किसका बचेगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो दोनों सेम हो गए, तो ये पूरे कैंसिल, क्या आया, टेन थीटा। क्या लाना था, LHS बराबर इति सिद्धम। उतारो, देखो उदाहरण नंबर 8, यहाँ भी बेटा मैं सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको किसके बराबर करेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे, ठीक है ना। इसको हल करना है, उत्तर ये लेके आना है, तो पहले हम क्या लेंगे, LHS,
क्या है बेटा? एक प्लस सेक ए बटा सेक ए। मैंने क्या बताया? सभी मान हमें बदलने साइन और कोस में, ठीक है। अब देखो यहाँ सेक है, सेक को देखो उधर, साइन और कोस में क्या है? एक बटा कोस थीटा। सेक का क्या होता है? एक बटा कोस। तो देखो यहाँ पर एक का तो एक प्लस है तो सेक की जगह क्या लिखेंगे? एक बटा कोस ए। थीटा है तो थीटा लिखना है, ए है तो ए लिखना है। अब भाग में सेक को भी बदलना पड़ेगा, तो सेक का वही एक बटा कोस ए आ गया। अब देखो आगे बेटा, देखो इन दोनों को जोड़ना है, तो देखो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना। कोस ए को एक से गुणा किया, कोस ए प्लस का एक, कोस ए को एक से गुणा किया कोस ए और प्लस का एक, और बटे में क्या आ जाएगा? कोस ए। आ गया समझ में? कोई डाउट नहीं है ना? क्या देखो एक बार फिर, ये हमें जोड़ना है दोनों को। वैसे तो हम लघुतम लेते हैं, पर मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। कोस ए को एक से गुणा किया कोस ए, पीछे प्लस का एक और बटे में क्या आ जाएगा? कोस ए। अब ये बटे वाली लाइन, तो ये बटे वाली लाइन नीचे क्या है? एक बटा कोस ए, ठीक है। अब देखो ये भी भिन्न में और ये भी भिन्न में, जब दो संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो उनको गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इन नीचे वाली संख्या का उल्टा कर दो, तो ऊपर तो क्या है बेटा? कॉस ए प्लस ए और बटे में कॉस ए और इनटू, अब उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा कॉस ए, तो जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा नीचे, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए, केवल क्या बचा? कॉस ए प्लस एक। देखो उत्तर क्या लाना था, ये उत्तर आया क्या? नहीं आया ना। तो देखो यहां से आप आगे कर सकते हो, लेकिन मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं, इसका उत्तर ये आ गया, आ गया ना। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो फिर आप इसको भी हल करो, आरएचएस को भी हल करो, है ना। उत्तर नहीं आया ना, अब उत्तर तो आ जाएगा। यहां भी जैसे कॉस ए माइनस एक से ऊपर और नीचे गुणा करोगे तो भी आ जाएगा, पर हम आरएचएस कॉल कर लेते हैं। किस कॉल करेंगे? तो हम अब आरएचएस भी लेंगे। अब इसको हल करोगे ना, तो उत्तर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले कॉस कॉस ये लाना है ना, साइन नहीं लाना है, मतलब किसको चेंज करना है? साइन को चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो कोस को उधर भेज दो, तो बताओ क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो बताओ साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? एक माइनस कोस स्क्वायर ए और बटे में क्या है? एक माइनस कोस ए। अगर मैं एक के ऊपर स्क्वायर लगाऊं कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। देखो ए स्क्वायर माइनस, सूत्र है बीजगणित का, ए स्क्वायर माइनस कैसे लिखते हो? एक बार तो प्लस में और एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे लिखते हैं। तो इनको भी एक बार प्लस में, एक बार किस में लिखेंगे? लिखो भाई एक बार तो एक माइनस कॉस ए और एक बार क्या लिखेंगे? एक प्लस कॉस ए, बटे में क्या आएगा? एक माइनस कॉस ए। देखो एक माइनस कॉस ए से एक माइनस कॉस ए, क्या बचा? एक प्लस कॉस ए। आ गया, एक ही बात है ना। अरे जोड़ में दो प्लस तीन कितने होते हैं? पांच। तीन प्लस दो भी कितने होते हैं? आगे पीछे कोई फर्क पड़ने वाला? या इसको कॉस ए प्लस एक भी लिख सकते हैं। तो क्या गया भाई? एल एच एस बराबर आर एच इति सिद्धम। आगे समझ में? तो अगर कुछ सवाल होंगे ऐसे, आप यहां से भी कर सकते थे इसको, है ना, लेकिन आप ऐसे करो तो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो ये उदाहरण नंबर 9, कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा, है ना, बराबर लाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा यहाँ हमें सभी मान चेंज करने हैं साइन और कोस में, ऑलरेडी साइन और कोस में चेंज करने की जरूरत है नहीं। इसकी घात भी 4 है और इसकी घात भी 4। अब 4 घात वाला बीजगणित में कोई सूत्र है क्या? सूत्र नहीं है ना, तो इनकी घातों को बदलेंगे हम, घातों को क्या करेंगे? चेंज। कैसे? देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दो दून कितना हो गया? फर्क पड़ा क्या? नहीं। आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब आगे देखो बेटा, यहाँ पर ये सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस, देखो ये ए स्क्वायर और ये हो गया ना, एक बार तो प्लस में एक बार
यहाँ ए का मतलब कोस स्क्वायर थीटा है और बी का मतलब, तो देखो एक बार तो इनको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया भाई। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान है ना, कोस प्लस साइन हो या साइन प्लस कोस हो बात एक ही होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, तो इसकी जगह कितना जाएगा एक आ गया। अब इधर देखो पीछे उत्तर क्या लाना है, केवल साइन ही लाना है, या इसको लिख लेते हैं एक बार कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब एक को इससे गुणा करोगे तो ये आएगा, क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब देखो उधर केवल हमें साइन ही लाना है, तो हमें साइन को तो रखना है, किसको बदलना है कॉस को बदलना है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र देखेंगे, देखो ये कॉस कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन को उधर भेज दो तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखेंगे एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पीछे क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का तो ये माइनस का और ये माइनस का दोनों जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह चिन्ह किस, एक और एक कितने हो गए, तो क्या हो गया माइनस का दो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। LHS बराबर इति सिद्धम। तारो उदाहरण नंबर 10 देखो, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू हो तो सिद्ध कीजिए क्यू कोष्टक पी स्क्वायर माइनस एक बराबर में क्या लाना है दो पी लाना है, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है, ध्यान पूर्वक समझो, पी का मान तो क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और क्यू का मान क्या है सेक थीटा प्लस कोसेक, तो देखो यहाँ जहाँ क्यू लिखा है वहाँ तो वो लिखना है और जहाँ P लिखा है वहाँ ये लिखना है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ Q है ना, तो Q क्या है बताओ sec थीटा प्लस cosec थीटा हो गया कोष्टक। अब P की जगह क्या लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा, अब देखो P के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर और पीछे माइनस का A हो गया और बराबर है तो बराबर दो का दो, P की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मतलब उसको मत देखो, अब इसको देखो, इसको हल करेंगे और उत्तर ये लेके आएंगे, ठीक है। ये हल करना है और उत्तर ये लेके आना है, ठीक है। तो ये कौन सी साइड है बताओ, LHS है, तो बताओ क्या लेंगे LHS, ठीक है। तो हम लेंगे LHS, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था, सभी मान किसमें चेंज करते हैं साइन और, तो यहाँ सेक है, बताओ सेक का क्या होगा एक बटा, ये होगा एक बटा कोस थीटा प्लस है तो कोसेक का क्या होगा एक बटा साइन थीटा। अब कोष्टक आगे चलो भाई, यहाँ तो पहले से साइन और कोस में, लेकिन यहाँ देखो a प्लस बी का सूत्र लग रहा है, कौन सा a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो ऐसे खोलोगे इसको है ना, तो देखो a का मतलब साइन, b का मतलब तो ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर प्लस है तो सूत्र का ए का मतलब बी का मतलब और बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर और माइनस का ए, कोई डाउट। चलो भाई यहाँ तो देखो ये भी भिन्न में, ये भी क्या लेना पड़ेगा लस है, तो लस है दोनों अलग अलग है, तो लस है क्या आएंगे साइन थीटा भी आएगा, ऐसे भाग लगे साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा, जब ये दोनों अलग अलग हो तो इसको इससे गुणा और इसको साइन थीटा को एक से गुणा किया कॉस थीटा को एक से गुणा किया, कोई डाउट नो डाउट। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नजरें थोड़ी तेज करनी पड़ेगी है ना, तब जाके काम चलेगा। साइन और कॉस का मतलब एक होता है, तो इसका मान तो गया एक, प्लस क्या है दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का एक, हो गया भाई। अब चलो यहाँ नेक्स्ट स्टेप करते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, आगे भाई। अब देखो यहाँ एक किसका
एक किसका? एक से एक पेंसिल। बताओ यहाँ कोई चिन्ह है तो क्या आएगा? क्या बचा? दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितनी बार? एक बार। यहाँ कितनी बार? दो बार। एक बार कैंसिल। क्या बचा? दो, दो इधर गुणा हो जाएगा तो ये आएगा दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो दो का तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या है? पी। तो ये आ जाएगा पी। आगे समझ में? अरे वो ये भी ये लाना चाहते तो ये आ गया ना, दो दो का तो दो साइन प्लस कोस का मान क्या है? तो ये आ गया पी। इतनी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इतनी सिद्धम। अब देखो ये ग्यारहवां थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, अगर ये सवाल तुम्हारे परीक्षा में आता है तो इस सवाल में साथ के साथ आपसे कहा जाएगा कि आप इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हुए इस सवाल को हल करो। ये जो सर्वसम्मिका है ना, इसका प्रयोग करते हुए इस सवाल को हल करना है। अगर आप इसको साइन और कोस में बदल के हल करते हो तो हल तो हो जाएगा लेकिन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अगर परीक्षा में भी आपके आता है तो ये सर्वसम्मिका आपको देगा कि इसका प्रयोग करके आप इस सवाल को हल करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, ध्यान देना इधर। सबसे पहले हम लेंगे कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड, ये लेंगे ना। आप देखो यहाँ पर हम इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे। इसका कैसे? देखो इस कोट को इधर ले आओ, कोट यहाँ प्लस का है तो बताओ क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस कोट स्क्वायर टीटा बराबर एक, ये होता है। तो हमें ये जो एक है ना, एक इसकी जगह पर ये मान लिखना है। ठीक है, बाकी बहुत ही आसान है। देखो कैसे है, ध्यान दो। यहाँ तो क्या है? कोट ए प्लस है तो कोसेक ए, माइनस है तो अब एक की जगह पर ये लिखेंगे हम, वहां आपके सवाल में आएगा पेपर में, है ना, ये चीज करने के लिए। तो क्या है? कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस कोट स्क्वायर टीटा, हो गया। और बाद में सेम नंबर लिखना है, क्या नाम है भाई? कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का ए, यही है। आप देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ ए लिखा है तो ए लिखो, टीटा लिखा है तो टीटा लिखो, ए आएगा, है ना। एक ध्यान रखना है, ए तो ए लिखना है, टीटा है तो टीटा। बेटा ये कहाँ से लिखा? एक का मान ये होता है, ठीक है ना, यहाँ से लिखा, ये सर्वसम्मिका से। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखो ये तो आपको सेम लिखना है, क्या नाम है? कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस है तो माइनस। अब देखो ध्यान लगाओ, यहाँ पर कोई सूत्र नजर आ रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो प्लस में, एक बार माइनस में। तो बताओ क्या नाम है? कोसेक ए प्लस कोट ए, एक बार तो लिख दिया प्लस में और एक बार कोसेक ए माइनस कोट ए, हो गया। और बाग में आ जाओ भाई, और ये बड़ा कोष्टक लगा दो, बाग में आ जाओ नीचे, क्या है भाई? कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का ए, हो गया बेटा। अब देखो ये वाला भाग अलग है और ये वाला भाग अलग है, तो देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इसमें और इसमें कॉमन है क्या? कॉट ए कोसेक, है ना, ये दोनों एक ही है। अरे वो मतलब समझो, दो प्लस तीन कितना होता है? पाँच, और तीन प्लस दो भी कितना होता है? तो ये दोनों एक ही है ना, सेम सेम है ना ये दोनों, तो कॉमन ले लो। तो बताओ क्या कॉमन आ गया? कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ गया। अब अंदर देखो इसका भाग इसमें कितनी बार? माइनस है तो माइनस, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ कोष्टक लगाना है, ठीक है, इसका भाग इसमें कितनी बार? एक, माइनस है तो माइनस। अब पीछे इससे ये कट गया, क्या बचा? कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही बचा। और ये बड़ा कोष्टक, अब बाग में आ जाओ नीचे, क्या है? कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए, ये हुआ। अब आगे चलो, कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब आगे देखो बेटा, ध्यान देना इधर, एक का तो एक, अब ये माइनस अंदर गुणा होगा तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे? तो ये माइनस प्लस माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस कॉट ए, हो गया भाई। नीचे आ जाओ, नीचे क्या है? कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए, देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है? एक किसका? प्लस का। यहाँ भी एक किसका? कोसेक किसका? यहाँ भी किसका? कॉट किसका?
यहाँ भी किसका सेम है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, है ना। जैसे मैंने जोड़ करके बताया आपको, तो इन दोनों ये चाहिए कैंसिल, कट गया। क्या बचा भाई? कॉट ए प्लस कोसेक ए। उत्तर क्या लाना है? एक प्लस कोस बटा साइन लाना है। तो अब इसको किस में चेंज करोगे? साइन और कोस में चेंज करो भाई। कॉट का क्या होता है? कोस बटा साइन, कॉस ए बटा साइन ए। और कोसेक का क्या होता है? एक बटा साइन। क्या लेना पड़ेगा? लस लेना पड़ेगा। क्या आएगा? लस आएगा आपके साइन ए, है ना। नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों कॉस ए प्लस ए। क्या लाना था? इति आगे पीछे प्लस माइनस, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? एल एच एस बराबर आर। इसको थोड़ा ध्यान लगाना, ठीक है ना। आपके वहां परीक्षा में आएगा कि आप यहां पर इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसको हल करना है, ठीक है। उतारो, देखो उदाहरण नंबर 12 आखिरी उदाहरण है, ध्यान से समझना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो देखो, एक देखो यहाँ पर तीन भाग है, पहला दूसरा और तीसरा, है ना। तो इसमें करना क्या है? पहले इसको इसके बराबर करना है और फिर इसको भी इसके बराबर करना है। मतलब ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले को तीसरे के बराबर करो और फिर दूसरे को भी तीसरे के बराबर। बहुत ही आसान है, देखो ध्यान दे। पहले हम लेंगे पहला वाला, है ना, ये वाला। इसको हल करना है और उत्तर क्या लाना है? टेन स्क्वायर लाना है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटा एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। वैसे तो मैंने क्या बताया था कि सभी मान किस में चेंज करो? साइन और कोस में। लेकिन अगर कुछ सवाल आसान हो जाए तो उसे बिना साइन कोस के भी कर सकते हो। बताओ यहाँ पर कुछ सूत्र दिखाई दे रहे हैं क्या तुम्हें? उधर देखो सर, समीकरण में देखो, एक प्लस टेन स्क्वायर का मतलब तो क्या होता है? एक प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हो? अगर आसान दिख जाए ना, तो वरना साइन कोस है तो आएगा ही आएगा। अगर दिमाग में कोई विचार नहीं आता है तो आप उसको चेंज किस में करो? साइन। 100% उत्तर आएगा। लेकिन अगर उससे भी आसान हो जाता है ना, तो फिर हम आसान कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, एक प्लस टेन स्क्वायर मतलब क्या होता है? सेक। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों? सेक स्क्वायर ए बटा। अब एक प्लस कोट स्क्वायर, देखो एक प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है? होता है ना। तो यह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब बदलो साइन और कोस में, साइन कोस में तो बदलना पड़ेगा आपको। अब बदलो साइन और सेक का क्या होता है? एक बटा कोस। अरे ये रान सेक, एक बटा कोस। तो क्या आएगा सेक का? एक बटा कोस स्क्वायर ए। इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब भाग में कोसेक का बदलो, कोसेक का क्या होता है? एक बटा साइन स्क्वायर ए। हो गया, ये भी भिन्न में और ये भी। जब दो संख्या भिन्न में, बीच में भाग का चिन्ह, तो नीचे वाली संख्या का घुमा दो। ऊपर क्या है? एक बटा कोस स्क्वायर ए इंटू साइन साइन स्क्वायर ए बटा ए। आगे भाई, आप चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यही साइन साइन स्क्वायर ए को किसे गुणा करेंगे? क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए किसे गुणा करेंगे? कॉस स्क्वायर ए। आ गया, उत्तर क्या लाना है? टेन। साइन बटा कोस क्या होता है? साइन बटा कोस क्या होता है? तो साइन बटा कोस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। इति तो ये पहला तो गया भाई तीसरे के बराबर। दूसरे को इसके तीसरे के बराबर करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, ये एक माइनस टेन ए का होल बटा एक माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऐसी तो हमारे पास कोई सर्वसमीका नहीं है, तो या तो हम इसको किस में बदलेंगे? साइन और कोस में बदलेंगे। या फिर आप दूसरा तरीका, जिसे आसान करने के लिए, उत्तर क्या लाना है? टेन। तो इधर सबको किस में बदल दो? कोट की जरूरत नहीं है ना, गर्मी आ गई तो कोट की कहाँ जरूरत है। तो टेन में चेंज करो, एक माइनस टेन ए बटा ए का तो एक माइनस। अब कोट किस में बदलेंगे? कोट का क्या होता है? एक बटा टेन ए। और इस पूरे का क्या हो जाएगा? हो गया भाई होल स्क्वायर। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ऊपर का तो सेम एक माइनस टेन ए। हो गया भाई, अब नीचे क्या लेना पड़ेगा बताओ? लस से क्या आएगा? टेन ए।
टेन ए को किसे गुणा करेंगे, क्या आएगा? माइनस है तो माइनस, अब कितना आएगा? एक। और इस पूरे का क्या हो जाएगा? अब जब संख्या भिन्न में हो और भाग में हो तो नीचे वाली संख्या का क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो नीचे वाली संख्या का उल्टा कर दो भाई, क्या आएगा? ऊपर तो क्या रहेगा? एक माइनस टेन ए, अब गुणा उल्टा क्या हो जाएगा? ये तो टेन है तो ऊपर जाएगा टेन ए, और नीचे क्या आ जाएगा? टेन टेन ए माइनस एक, और पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर अलग अलग, इन सबके ऊपर स्क्वायर है तो सबके ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा लेंगे। मतलब देखो, एक माइनस टेन ए का क्या हो जाएगा, और इधर टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए। ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी, और इसके ऊपर भी है, ठीक है? तो नीचे क्या हो जाएगा? टेन ए माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है? तो देखो ये दोनों कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? अगर आप सवाल में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बी माइनस ए के होल स्क्वायर के, ये दोनों बराबर होते हैं, जब इनको खोलोगे ना तो आपके ये दोनों के सेम आएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल। कैसे? देखो, अगर सात में से माइनस करे पांच, इसका होल स्क्वायर, और पांच में से माइनस करे सात, इसका होल स्क्वायर। तो देखो, सात में से पांच गए तो दो, दो का स्क्वायर, और पांच में से सात गए तो माइनस दो का होल स्क्वायर। दो का स्क्वायर कितना, और यहाँ दो का स्क्वायर कितना, ये माइनस किसमें हो जाएगा? दोनों बराबर हो गए ना, तो ऐसे ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। बताओ क्या बचेगा? टेन स्क्वायर ए। क्या लाना था? इति सिद्धम। तो आपके सभी उदाहरण समाप्त, आज की क्लास भी समाप्त होती है। आपको समझ में आए हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू।